बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आरडी फॉर न्यूज से ताज़ा तरीन प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में, रंगारंग सुबह के प्रोग्राम में हम आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। और आज हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हमजा अकबर मौजूद है। हमजा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसी गुजर रही है जिंदगी? और हमजा के साथ आज हमारे साथ पाकिस्तान के प्रोफेशनल ढोल मास्टर मौजूद हैं, जफर साहब, क्या हाल है? और हमजा के साथ जो है वो लियाकत साहब मौजूद है। लियाकत साहब, क्या हाल चाल है आपका? आज बिल्कुल नाजरीन, हम आप सब लोगों को एंटरटेन करेंगे। और आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर हमारे निश्चय नंबर जा रहे हैं, नंबर्स पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हमजा से कोई गाना सुनना चाहते हैं, जफर भाई से गाना सुनना चाहते हैं, लियाकत भाई से गाना सुनना चाहते हैं, इनसे आप आज कॉल पे ऑन डिमांड जो है वो गाने भी सुन सकते हैं। आप लोगों को इनसे बातचीत भी करवाएंगे और इनकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको जानने की भी कोशिश भी करेंगे। अच्छा हमजा, मुझे ये बताओ हमारे देखने वालों को कि क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? जिंदगी में तो बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से कि आपका नया गाना जो है टिकटॉक वाला आया है। तो मुझे पहले ये बताओ इसके पीछे क्या सीन है, क्यों ये टिकटॉक को आपने व्हाट्सएप और फेसबुक को क्यों हिट नहीं किया? पहले तो थैंक यू तिमूर भाई, आपका शुक्रिया कि गाना टिकटॉक पे इसलिए बनाया मैंने, क्योंकि आजकल आपको पता है टिकटॉक का एक बहुत जबरदस्त ऐसे ही है, हर बंदा टिकटॉक पे लगा हुआ है, टिकटॉक पे। तो मैंने वो जेर में मेरा ख्याल है कि यार क्यों ना इस पे एक गाना बनाए, एक गाना बनाया जाए। और गाना भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा फिट जा रहा है। काफ़ी उस लड़कियां लड़के जो उसका वो टिकटॉक वीडियो बना के मुझे सेंड भी कर रहे हैं, तो उसका यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ ये गाना जो है वो कौन कौन इसमें इस गाने में मौजूद थे और कि कहाँ पे इस गाने को आपने जो है वो शूट किया है? ये गाना मेरे बहुत अच्छे शायर हैं जी, सराइकी के हैं, जादू शाह साहब जी जिन्होंने लिखा है ये गाना। अच्छा, और इसको शूट किया है चौधरी अली अकबर साहब ने, जो गुजर खान से जिनका तल्लुक है, हो गया। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैमरामैन, बड़ा अच्छा काम करते हैं। और जादू शाह साहब का ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे शायर है और पाकिस्तान के बड़े बड़े अच्छे नाम और गुलकार जो उनका कलाम गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बड़ा मज़े का सॉन्ग है उनका। और गाने के लिरिक्स जो हैं वो भी बड़े तो मैंने बोला उधर वो एक ना टिकटॉक फेमस लड़की बैठी हुई थी ना, काफी फेमस है टिकटॉक पे, ठीक है। तो मैंने बोला ये गाना जो मैंने लड़कियों के लिए बनाया था जो बैठे, अच्छा हम उठ के चले जाते हैं ऐसे लड़कियों के लिए। तो ये गाना आपको पता है कोई भी चीज़ है ना, जो जिस चीज़ को लड़की ज्यादा प्रमोट करे वो ज्यादा हिट होती है। लड़की आपने प्रमोशन का आसान रास्ता है। अच्छा मैं जफर साहब की तरफ आऊँगा। जफर साहब, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद कि आपने इस गाने में अपेयरेंस भी दी है और ढोल भी परफॉर्म किया है। तो जी मेरे साथ जफर भाई थे ढोल जी, मैंने देखा है माशाल्लाह जो है वो बड़े एनर्जेटिक नजर आ रहे थे। अच्छा जफर भाई, मुझे ये बताओ इसके अलावा कोई आपका एक्सपीरियंस है, इससे पहले कभी कहीं पे आपने परफॉर्म किया हो? हाँ, काफी दफा मैंने शो किए हैं और अहमदा भाई से मेरी मुलाकात हुई है और अहमदा भाई ने कहा कि ये गाना एक प्यार है मेरा, उसमें आप काम करें। तो मैंने काम किया है, काफी मुझे मजा आया। अच्छा, और आगे और एक गाना आ रहा है भाई है और ढोल जो है वो बजा रहे हैं। किन किन पाकिस्तान के शहरों में आपने बजाया ये ढोल वगैरह परफॉर्म किया है? तकरीबन बहुत सारे शहर है जो कभी पंजाब से बाहर भी गए हैं। जी जी जा वाजी वाह, ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, आज हम इनसे ही नहीं, हमने ऐसे नहीं छोड़ना, आज हम इनसे ढोल भी जो है वो इनकी इनसे सुनेंगे और हमजा से हमने गाना भी सुनना है। अच्छा लियाकत साहब, मुझे बताओ ढोल पे आप कौन कौन सी बीट्स जो है वो बजा लेते हैं? जी ढोल पे 400 का ढोल बजा लेते हैं। अच्छा, कितने सुबह इनका ढोल बजाते हैं हम? अच्छा, तकरीबन हम सुनाएंगे, ठीक है। और ये जो हमजा का गाना है इसमें आपने कौन सी ढोल की जो बीट है वो बजाई? ये इसमें यूके ढोल बजा। अच्छा, मुझे ये बताओ हमजा, आपके इस गाने की तरफ ही आते हैं, इस गाने का म्यूजिक जो है वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है, म्यूजिक के हवाले से हमारे सुनने वालों को बताएं
देखने वालों को बताएं कि उसके पीछे क्या सीन है, कहां से आपने गाया? म्यूजिक जो है ये मेरे बहुत प्यारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वकार खन्ना साहब लाहौर से, उन्होंने म्यूजिक बनाया है जो कि बाबर खन्ना साहब जो कोक स्टूडियो में ढोलक बजाते हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, उनके छोटे भाई हैं वकार खन्ना, उनका म्यूजिक है और मुझे खुद बहुत मजा आया है। मुझे कल मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके कुवैत से मुझे कॉल आई इस गाने के बारे में ना, अच्छा, और कुवैत से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि वो दोस्त हैं हमारे शबीर साहब चौधरी रशीद साहब, तो वो कह रहे थे कि यार ये इसका म्यूजिक मुझे मेरे दिल को ना ऐसे खींच रहा है, कुछ ना ऐसे हो रहा है, अच्छा, और कितनी उसमें बेस उसका जो म्यूजिक है ना वो बहुत मजे का बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गाना मैंने जिधर भी परफॉर्म किया है, वीडियो तो इसका भी आया है, तो मैं जिधर भी मैंने परफॉर्म किया है लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस गाने, तो मैंने सोचा ये गाना मैं जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर लूँ और वीडियो यूट्यूब पे है मेरा हमजा अकबर के नाम से, आप सर्च करें तो आप बिल्कुल नाज़रीन इस जो है वो हम वीडियो को भी अभी प्ले करते हैं और अभी आपको हम स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये गाने की वीडियो कैसी लगी है, इसका म्यूजिक कैसा लगा है। और हमजा से आज के इस प्रोग्राम में जो गुड मॉर्निंग हमारा प्रोग्राम है इसमें हम इनसे लाइव भी ये गाना सुनेंगे, अभी हम आइए जरा मिलके वीडियो देखते हैं। सेल्फी ते वीडियो बनांदी जांदी सी, मीडिया ते शोहरत पांदी जांदी सी, सेल्फी ते वीडियो बनांदी जांदी सी, मीडिया ते शोहरत पांदी जांदी सी, मुंडे भी दीवाने हो गए ओदे शौक ते नी कुड़ी सुपरहिट, कुड़ी सुपरहिट हो गई